हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट नेटवर्क। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बेल्टोन डीओ न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई लोग बार बार कमेंट करते हैं कि भैया यहाँ पे बेल्टोन के न्यू फॉर्म जो है कब तक यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पे यानी हम लोग कह सकते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कब तक शुरू होगी। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि बस आप लोगों का इंतजार ख़त्म होते हुए विभाग का ऑफिशियल लेटर यहाँ पे जारी हो गया है, ठीक है, जिसमें बिहार के सभी यहाँ पे 8067 पंचायतों में लोक सेवा केंद्र यानी आईपीएस सेवा को चालू करने का मंजूरी विभाग ने दे दिया है। कभी भी न्यू रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, आपके विश्वास के लिए मैं आपको लेटर के साथ उनका पब्लिश डेट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लेटर आप देख सकते हैं, यह लेटर पंचायती राज विभाग का लेटर है 11/7/2022 के आयोजित बैठक की कार्रवाई में लिए गए निर्णय, एक तरफ कार्य और उनका अनुपालन यहाँ दिया गया है। फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ टोटल 28 निर्णय लिए गए हैं पंचायती राज विभाग की तरफ से। चलिए मैं आपको मेन टॉपिक पर ले आता हूँ। तो यहाँ पे 11 और 12 नंबर में आप देख सकते हैं, पहले 11 पर आप देखें तो यहाँ बोला गया है कि बेल्टोन द्वारा 133 डाटा इंटरप्रेट की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। जिन जिले से अधियोजना प्राप्त नहीं है उन जिलों में स्मारित करने का निर्देश दिया गया है ताकि सभी पंचायतों में आरटीपीएस सेवा प्राप्त की जाए, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। निर्णय यह लिया है फ्रेंड्स कि अब बिहार के सभी पंचायतों में आरटीपीएस केंद्र में दो दो डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्य करेंगे, ठीक है, जिसमें विभाग को मानव बल की भी आपूर्ति प्राप्त होगी और आम जनता को भी परेशानी किसी प्रकार की नहीं होगी। तो मानव बल का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि कहीं अगर आरटीपीएस काउंटर में कार्य का प्रेशर बढ़ जाए तो आम जनता का कार्य नहीं रुकना चाहिए, इसलिए पंचायतों में दो दो डाटा इंटरप्रेटर का कार्य करने का सहमति यहाँ पे मिल चुका है विभाग की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स, एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑलरेडी यहाँ पे कार्यरत है, एक और यानी हर पंचायत में दो दो डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 8067 निकल के आ रही है, ठीक है। तो 8067 पंचायत है इसलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 नंबर इसी के बारे में लिखा गया है। 12 नंबर में क्या है, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यपालक सहायक यानी जिसे हम लोग बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर समझ सकते हैं, अतिरिक्त पद सृजन कर संविदा के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई अनुपालन में देखिए, ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ग्राम पंचायत स्तर पर अतिरिक्त यानी एक और कार्यपालक सहायक यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर से हम लोग कह सकते हैं कि नियोजन के संबंध में लोक बीच समिति का संलेख उपस्थापित कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे सहमति प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सहमति मिल चुका है बीच समिति की तरफ से। तो कभी भी बेल्टोन अपना नोटिफिकेशन निकाल सकती है, और मैं बता दूं आपको कब आएगी ये अभी किसी को भी पता नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेल्टोन का न्यू रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, ठीक है, चालू होने वाली है कभी भी नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ चुका है कि बेल्टोन का न्यू रजिस्ट्रेशन कब तक चालू हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और एक पुण्य का काम कर लेना फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।